सेकंड गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे बैठे हैं हमारे छोटे काले, मिट्टी के साथ खेल रहे हैं। हाँ भाई कालू, ये क्या कर रहा है? झोली में मिट्टी डाल ली है इसने। हाँ या ये क्या करने बैठा है? हाँ तो भाई साहब, कालू के बाल उड़ चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपको पता है कि विलेजेस में अक्सर छोटे बच्चों को पीत के दाने निकल जाते हैं गर्मी की वजह से, तो वही दाने कालू के सर में बन गए थे। तो इसलिए कालू के अबू ने उसके सर में वो मशीन मरा दी। तो सैम नहा के आ रहा है तो मैं सीन दिखाता हूँ आपको। तो पहले वहाँ पर नंगा आ रहा था, तो अब इसने वो लोही है वो उठा के कर लिया। लोही तो उतारना सैम, एक मिनट सैम उतारियो, सैम उतारना। वैसे कुत्तू किस तरह पड़ा, देखिए हाथ ऊपर करके। और क्या हुआ, ये मिट्टी तो नहीं खाई है? तो भाई साहब की इसकी जीभ गर्मी यार, गर्मी बहुत ज़्यादा, तो मेरे को ये फंसा पड़ा कि खुद ही पड़ा है। चलो भाई, तो ये खुद ही पड़ा है, इसको पिलाने पानी पिलाते हैं। तो यार आपको पता है कि यहाँ पे इस जगह पहले ट्रैक्टर खड़ा होता था, तो उसके नीचे मैं अपने छोटे पपी को बांध देता, लेकिन वो ट्रैक्टर का जो मालिक है वो आ गया, ट्रैक्टर ले गया। और जिस मेरे मामू ने वो ट्रैक्टर रिपेयर किया था, मैंने आपको बताया पिछले व्लॉग्स अगर आपने नहीं देखे तो उसमें मैंने बताया कि वो ट्रैक्टर मार कर वैसे आके खड़ा हो गया। मेरे मामू लेके आया तो शॉप पे कुछ मरम्मत हो रही थी छत की, शॉप की जो छत है तेज तूफान आने की वजह से वो छत गिर गई, तो इसलिए वो मेरे मामू ट्रैक्टर यहाँ पे ले आए। तो मैं इसको ट्रैक्टर के नीचे इसको बांधता था, अब तो ट्रैक्टर तो चला गया, तो इसको ये दरख्त है जो सुबह टाइम सुबह से ले कर 12 बजे तक ये उस साइड को बैठता है। तो मेरे पीछे फिर पिछले हर व्लॉग की तरह मेरे पीछे आ चुका है दही बल्ले वाला, तो इसकी आवाज़ अक्सर आपने मेरे व्लॉग में देखी होगी। अगर कुत्ते को पानी पिलाते हैं, इसको भी गर्मी लगी हुई होगी। हैदर ने, मेरे छोटे भाई हैदर ने पानी पिलाया था, लेकिन फिर भी हम पिला देते हैं। यार मैंने जाना अभी दुकान पे, 10 लड्डू लेके आने हैं। वो किस लिए लेके आने हैं? क्योंकि घर में घर वालों ने कहानी पढ़ानी है 10 बीवियों वाली, तो उसमें भाई 10 लड्डू लगते हैं, तो वो 10 औरतें मिलकर पढ़ती हैं और 10 लड्डू लगते हैं। तो मैं वो लेके आता, तो पैसे अम्मी से ले लिए, तो आइए चलते हैं। तो बस इतना पानी पीना था। यार मैं लड्डू लेने गया यहाँ पे दुकान पे तो नहीं मिले, तो लाल मोड़ी जाना पड़ेगा, तो खुद ही जाएंगे, मैं तो नहीं जाना भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गाइस टाइम हो चुका है 6:30, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो हमारे घर बिल्कुल साथ एक अकड़ा है, अकड़े का बूटा है, तो यहाँ पे एक देखिए इसके ऊपर क्या चीज़ बैठी है। देखिए ये बैठी है टिड्डी, तो इन्हें देख सकते हैं यार, कितने पत्ते यहाँ पे इसके खा लिए हैं। और यहाँ पे एक बाँ भी लगा खड़ा था इसका, जो जिसमें से यह सब बिल्कुल इस तरह का, यहाँ पे एक बड़ा लगा हुआ था जिसमें से वो सफ़ेद सफ़ेद रंग के वो जिसे बब्बू कहते हैं वो निकलते हैं। तो भाई ने सारा अपना यहाँ पे इन्होंने अपना मस्त फैमिली का सेटअप किया। तो ये खड़े हैं, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और ये इसके बच्चे हैं। यार ये वाला जो साइड है ये देख सकते हैं, यहाँ पे पहले पत्ते थे, ये वाले मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिए, देख अभी ऐसे डंडी रह गई है। और यहाँ पे एक खार है, देखिए किस तरह से एक खार है, अगर आप देख सकते तो यहाँ पे खाने यहाँ पे नीचे से मुँह रखूँ तो इसका मुँह मिलता है, यहाँ से आपको साफ क्लियर नजर आए। तो यहाँ पे देखिए वो पत्ता खा रहा है, तो एक ये देखिए भाई साहब ये मेरी तरफ देख रहा है, और यहाँ पे इनके बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे ये बैठे पत्ते के ऊपर वो खाए जा रहे हैं। तो इन्होंने भाई सारा यहाँ पे क्लियर साफ़ कर दिया। तो यहाँ पे एक वो आम लगा हुआ था, तो इसमें से जो इनका बीज है इन्होंने वो भी खा लिया, चेक करेंगे। मुझे लगता है एक दिन और इन्हें दिया जाए तो ये सारा इसको क्लियर सारा साफ कर देंगे, इसको खा के तो गले को पता क्या हो गया। तो गाइस ये जो हमारे गाय का यहाँ पे चारा पड़ा था जिसे हम अपनी जबान में भों कहते हैं, वो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल ही। तो भों ने पिछली बार बनवाया था, इस बार नहीं बनवाया, तो यहाँ पर मेरा कुत्ता सोया पड़ा है। तो सैम इसको ले गया वॉक पे, तो अब सैम मस्ती सिपारा पड़ने गया और ये यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। सैम इसको वॉक करवा के आ गया। तो यार करते हैं यहाँ पे व्लॉग को एंड, तो मिलते तो आपको पसंद आएगा, तो मिलते नेक्स्ट वाला, तब तक के लिए लव इज़ बाय गाइस।